लंबे समय से छाती में दर्द रहना, सांस की तकलीफ़, सूखी खांसी आना या लेटते समय सांस का ज़्यादा फूलना, बहुत सारे और कारणों के साथ साथ आज की डेट में एक मेजर कारण है प्लूरल इफ्यूजन, जिसे हम कहते हैं फेफड़ों में पानी भर जाना। आज हम इस में डिस्कस करेंगे कि प्लूरल इफ्यूजन क्या है, किस वजह से होता है और हमारे पास उसके क्या क्या इलाज के ऑप्शंस हैं। सो प्लूरल इफ्यूजन बेसिकली है लंग्स के आसपास एक झिल्ली होती है जिसमें नॉर्मली थोड़ा सा लुब्रिकेंट या फ्लूइड होता है, जिससे हमें सांस लेने में आसानी होती है एंड विच फॉर्म्स अ कवरेज अराउंड द लंग्स। बट अगर किसी भी वजह से वो पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो हम उसको प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। उस पानी की मात्रा बढ़ने से फेफड़ों में दबाव आता है, जिस वजह से हमें सांस लेने में तकलीफ होती है या हमारी छाती पर जोर पड़ता है और पेन की तरह प्रेजेंट करते हैं। कंप्लेंट्स को अगर हम क्लिनिकली रिलेट करें तो डॉक्टर कुछ हद तक पेशेंट को एग्जामिन करके ये प्रोबेबिलिटी रख सकते हैं कि फेफड़ों में पानी है। उसको कंफर्म करने के लिए हमें एक्सरेज और अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत पड़ती है। पानी के प्रेशर की वजह से हार्ट के सिम्टम्स भी आ सकते हैं। सो अब हमें ये देखना है कि वो पानी भरने की वजह क्या है। सो प्लूरल इफ्यूजन होने के काफ़ी कॉजेज़ होते हैं, जिसमें नॉन इन्फेक्टिव और इन्फेक्टिव होते हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, हार्ट की दिक्कत की वजह से, किडनी में प्रॉब्लम होने की वजह से, लिवर फेलियर में, थायराइड में, बहुत प्रोटीन्स की कमी होने में, खून की कमी होने में, ये सब कॉमन रीजंस हैं जिसकी वजह से फेफड़े में पानी भरता है। सो अब उसके इलाज से पहले हमें ये देखना है कि पानी की वजह क्या है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम प्राइमरी पैथोलॉजी को या हम अंडरलाइन बीमारी को ट्रीट कर लेते हैं तो पानी अपने आप कम हो जाता है। बट हमें काफ़ी केसेस में, या अगर हमें डायग्नोसिस नहीं है या पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो उन केसेस में हमें पानी निकालना पड़ सकता है। सो निकालने के भी कुछ तरीके हैं, जैसे कि प्लूरल टैपिंग है कि हम उस साइट को नोट करते हैं जहाँ से पानी है और एक सुई डाल के पानी को निकाल सकते हैं। उस सुई डालने में हल्का दर्द हो सकता है, पेशेंट अनईजी होता है, बट अगर हम थोड़ा सा एनेस्थीजिया देकर करें तो हम उस पानी को निकाल सकते हैं। पानी को टेस्ट के लिए 10-20 ml निकालना एक तरीका है। दूसरा, अगर पानी का अमाउंट ज़्यादा है तो हमारे पास जितना भी पानी है, 200 ml से लेके 1 liter तक, हम उसको सुई के ज़रिए निकाल सकते हैं। अगर पानी किसी इन्फेक्शन या पस की वजह से बना है तो हमें ऐसे केसेस में ट्यूब भी डालनी पड़ती है, जिसको हम इंटरकोस्टल ट्यूब ड्रेनेज कहते हैं। सो पानी निकलने के बाद हम जब पानी को टेस्ट के लिए भेजते हैं तो उस टेस्ट में हमें पता चलता है कि पानी भरने का वजह क्या है। वंस वी हैव अ डायग्नोसिस, अगर हमें बीमारी का पता चल जाता है तो हम बीमारी को ट्रीट करेंगे तो पानी की मात्रा धीरे धीरे करके कम हो जाती है। पानी निकालने का जो प्रोसीजर है वो हार्डली 15 से 20 मिनट का टाइम लेता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसमें पानी कितना है और हम किस इंटेंशन से निकाल रहे हैं। मतलब हम डायग्नोस्टिक टैप कर रहे हैं कि हम पूरा पानी ड्रेन करना चाह रहे हैं। उसमें सरफेस को क्लीन करके एक नीडल डाला जाता है जो कि एनेस्थीजिया के अंडर थोड़ा सा पेनलेस हो जाता है। वंस इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं जो कि हर पेशेंट को पानी निकालने से पहले बताई जाती है कि अगर ब्लड वेसल में लग गया या एयर अंदर चली गई तो ब्लीडिंग हो सकती है या निमोथोरैक्स जैसी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। अगर पानी में इन्फेक्शन होता है तो उसमें पस क्रिएट होने की भी प्रॉबेबिलिटी होती है, जिसको एम्पायमा भी बोल सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन कि पानी की रीजंस क्या थे, कि सपोज पस है तो हमें आईवी एंटीबायोटिक्स देना पड़ सकता है, टीबी अगर निकलता है तो हमें टीबी का ट्रीटमेंट जो कि 6 से 8 महीने चलता है वो देना पड़ेगा। अगर अंडरलाइन कॉज हार्ट का या किडनी का है तो वही करेक्ट करने के बाद ही हम उस पानी से राहत पा पाएंगे। पानी निकालना इतना डिफिकल्ट प्रोसीजर नहीं है, बट येस उसकी कॉम्प्लिकेशन से हमें अवेयर होना। सो अगर हम इन टोटल कंसिडर करें तो देर इज़ नो वे वी कैन प्रिवेंट प्लूरल इफ्यूजन, बट हाँ, अगर हमारे को ये तकलीफ लंबे समय से चल रही है तो हमें अर्जेंट बेसिस पे डॉक्टर को कंसल्ट करना है। अगर हमें डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि हमें पानी निकालने की ज़रूरत है तो हमें उस बात से डरना नहीं है, वी शुड गो अहेड विद ऑल द इन्वेस्टिगेशन विच आर रिक्वायर्ड। और अगर उसमें कुछ भी आता है, देखो बहुत रेयर केसेस में भी जो प्लूरल इफ्यूजन है वो कैंसर की इंडिकेशन भी हो सकती है, सो वी कैन नॉट लीव इट अनट्रीटेड।
अब प्लूरल इफ्यूजन होने की वजह से सांस फूल रहा है, लेकिन हमारी बॉडी में उससे क्या डैमेज होता है? उससे ये होता है कि लंग्स पे प्रेशर पड़ता है, लंग्स दब सकते हैं। अगर वो पानी हार्ट के अराउंड जाता है तो हार्ट रुक सकता है, इन्फेक्ट होता है तो सारे शरीर में इन्फेक्शन फैल जाता है। सो ये सब कॉम्प्लिकेशंस हैं प्लूरल इफ्यूजन की हमारे बॉडी पे, जो नुकसान पहुंचाती है। सो प्लूरल इफ्यूजन ऑल्दो नॉट अ वेरी कॉमन डिजीज़, बट इट हैज़ टू बी कंसिडर्ड एज अर्ली एज पॉसिबल, और जो भी उसकी डायग्नोस्टिक और मैनेजमेंट है उसको अंडर प्रॉपर डॉक्टर गाइडेंस ही करवाना चाहिए। प्लूरल इफ्यूजन से रिलेटेड मेजरली हमने आपको सब डिटेल दे दिया है। अगर इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेरीज होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।